हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस देश ने भारत को 2 रक्षा मिसाइल बेचने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को 2 रक्षा मिसाइल बेचने की घोषणा की है। जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ये 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष की स्थापना करने वाला देश अमेरिका है और सबसे पहले लिखित संविधान 1789 में लिखित संविधान लागू हुआ था अमेरिका में ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है? तो भाई हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। अगर बात आई अरुणाचल प्रदेश की तो देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है वीडी मिश्रा। और प्रसिद्ध नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व और मोलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 2 राज्यों से टच करती है, असम और नागालैंड, और 3 देशों से भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा टच करती है, भूटान, चीन और म्यांमार। तो इतना आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्धन्त योजना की शुरुआत की है? तो भाई हाल ही में असम सरकार ने अर्धन्त योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। इस योजना के तहत असम सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना देने की घोषणा की है। असम की कैपिटल है दिसपुर और प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीटों की संख्या है 14, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या 126। असम में ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन असम से बन जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और अगर पूछ ले भारत के किन किन राज्यों में एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो भारत के 2 राज्यों में एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक तो हुआ असम और दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो इतना आपको असम के बारे में याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में लॉ जस्टिस ऑफ जुडिशियल पावर नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो भाई हाल ही में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लॉ जस्टिस ऑफ जुडिशियल पावर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये लॉ जस्टिस ऑफ जुडिशियल पावर नामक पुस्तक पीएन भगवती का दृष्टिकोण है। जस्टिस पीएन भगवती को जनहित याचिकाओं का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ फिल पीआईएल। इस बुक के लेखक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है लेखक भी। तो इस बुक के लेखक है मूलचंद शर्मा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नासा की हबल दूरबीन द्वारा खोजी गई बौनी आकाश गंगा का नाम क्या रखा गया है? तो इस बौनी आकाश गंगा का नाम है बेदिन वन। यह आकाशगंगा पृथ्वी से 3 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। अगर बात आई है नासा की तो देख लेते हैं थोड़ा सा नासा के बारे में। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस 8 फरवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों की आंतों में जो पैरासाइट कीटों का प्रसार होता है उसे रोकने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। यह 8वां कृमि मुक्ति दिवस था। तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में गुरु पद्म संभव की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो भाई हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने
गुरु पद्म संभव जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगर बात आई है उड़ीसा की तो देख लेते थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, उड़ीसा में ही है हुलर द्वीप और इस हुलर द्वीप का नाम बदलकर रख दिया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप और इसी द्वीप पर ही अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में VVIP कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो भी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा VVIP कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अब VVIP की बात आई है तो VVIP की फुल फॉर्म देख लेते हैं, वोटर वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम द्वारा वोटर आईडी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में AI एंड डेटा साइंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा सेंटर, डेटा साइंस सेंटर। तो अभी हाल ही में IIT मद्रास द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर का तीसरा प्रशासनिक प्रभाग किसे बनाया गया है? तो भाई हाल ही में जम्मू कश्मीर का तीसरा प्रशासनिक प्रभाग लद्दाख को बनाया गया है। इससे पहले दो प्रशासनिक प्रभाग ऑलरेडी थे, एक जम्मू दूसरा कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। अब तीसरा प्रशासनिक प्रभाग लद्दाख को बनाया गया है, लद्दाख की लेह जिले में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसे लेह और कारगिल जिला, इसके अंदर अंतर्गत लेह और कारगिल जिला आएगा। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर 6 वर्ष का कार्यकाल होता है चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि यहां के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है इसलिए यहां के चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है और यहां के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें।